क्या कुछ मामला चल रहा है? हाँ सर, मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ मैं अक्टूबर में एक लड़के से मिली थी जिनका नाम गौरव कुमार है। उन्होंने मुझसे काफ़ी दोस्ती बढ़ाई, दोस्ती की और हम लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। नवंबर की लास्ट में उन्होंने मुझे बताया था कि मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं, उनका मेंटली डिस्टर्ब रहती हैं वो। तो नवंबर में उन्होंने कहा कि मेरी मदर से मिलने चलोगी तुम? तो मैंने कहा ओके ठीक है, चलिए मदर से मिलने चलिएगा। तो क्योंकि मैं उन्हीं के साथ मतलब ज़्यादातर बैंक से ऑफिस जाती थी, कार्ड में जॉब करते हैं तो, और फिर ऑफिस से घर भी वही मुझे छोड़ देते थे क्योंकि मेरी मदर एक्सपायर है और मुझे थोड़ा उनकी तरफ से मॉरली सपोर्ट मिलता था तो मुझे अच्छा लगता था। फिर वो मुझे अपने घर ले गए थे नवंबर में लास्ट टाइम में और मदर से मिलाने के लिए। फिर मदर से वो मुझे मिलाए उलाए, बात हुई, फिर कुछ खाना वाना हम लोगों ने खाया वहीं पर, चाय पिया, खाना वाना खाया, वो कुछ था। फिर मैं वहाँ पर ऐसा था कि कुछ रिलेशनशिप उन्होंने बनाया और जिसके बाद मैं बोलने लगी, मतलब सुबह जब उठे तो मैं रोने लगी कि भाई ये चीज़ें गलत है और आप ये चीज़ें कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मुझसे दूर नहीं हो जाओ, तुम मेरे पास हमेशा रहो, मैंने इसलिए ये चीज़ की है। मैंने कहा नहीं, लेकिन ये तो गलत चीज़ है ना, ऐसा तो नहीं कर सकते है ना। हाँ, फिजिकली रिलेशनशिप उन्होंने बनाया। तो उस टाइम उनके घर में सिर्फ उनकी माँ थी, तो उनके मतलब फादर भी हैं, उनके फादर की भी दो शादियाँ हुई हुई हैं और वो एक ही घर में अपनी दो पत्नियों को लेके अब रह रहे हैं, उस टाइम नहीं थे। और मुझे कहा गया कि मेरे फादर जो हैं वो गाँव गए हुए हैं, तो इसलिए मतलब हम वहाँ स्टे वहाँ पे उन्होंने किया और जो भी था उन्होंने दवा ववा मुझे दे दी थी नशे की। सुबह में जब हम उठे तो हम ये चीज़ उनको बोले कि आपने ये सारी चीज़ें क्यों की? तो भाई हम तुमको खोना नहीं चाहते हैं और जब हम तुमको फर्स्ट टाइम देखे थे तभी हमको तुमसे बहुत प्यार हो गया था, हम बहुत तुमसे प्यार करते हैं और हम वादा करते हैं कि हम तुमसे शादी करेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर तुम नहीं बोलोगी, अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो देखो यहाँ पे मंदिर है शिव जी का घर में उनके, लो हम तुम्हारा मांग भर देते हैं, तुमको मंगलसूत्र पहना देते हैं, तुम पत्नी हो जाओगी मेरी, तब तो तुमको डाउट नहीं ना रहेगा मेरे प्यार पे। तो उन्होंने वैसा किया कि मेरे मांग में सिंदूर भर दिया, मुझे मंगलसूत्र पहना दिया, गले लगा लिया, कहा कि मुझ पे यकीन मानो, मैं मुझे मालूम है कि तुम बहुत टूटी हुई हो, तुम्हारा बहुत ज़्यादा बहुत लॉस है और मैं तुमको कभी नहीं छोड़ना चाहता, बट इस चीज़ के बाद ना हम बहुत क्लोज आ जाएंगे, बहुत प्यार हो जाएगा। ठीक है भाई, सब कुछ ठीक था, रिलेशनशिप बहुत अच्छा चला 2.5 साल तक। उन्होंने बहुत प्यार दिखाया, बहुत केयर की, हर जगह प्यार करते थे, हर जगह केयर करते थे। फरवरी तक रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था। फरवरी में एक दिन मैंने इनके मोबाइल में, शायद 27 फेब था, मैंने इनके मोबाइल में कुछ फ़ोटोज़ देखी कुछ लड़कियों के साथ, जिसमें मैंने इन पर रिएक्ट किया कि ये किन की फ़ोटोज़ हैं। तो इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा और ये, और इन्होंने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, और ये फ़ोन हमेशा अपना लॉक रखते थे, कभी मुझे दिखाया नहीं, कभी मैंने इनका फ़ोन नहीं चेक किया, इतना ट्रस्ट दिला रखा था इन्होंने। उसके बाद फिर उन्होंने मोबाइल नहीं दिखाया मुझे, मैं बहुत लड़ी बहुत बोली लेकिन नहीं दिखाया। फिर ये धीरे धीरे कटने लगे, फिर मार्च के 7 तारीख को, हाँ इसके बीच में भी जुलाई में मतलब 2019 में हम प्रेग्नेंट हो गए थे, अक्टूबर में, हाँ प्रेग्नेंट हो गए थे हम 2019 में ही, शादी के बाद तो हम प्रेग्नेंट हो गए थे, सॉरी इसमें दिवाली के टाइम में 2000 में तो प्रेग्नेंट हो गए थे। तो इन्होंने कहा कि मुझे कि मतलब अबॉर्शन करा लेते हैं, तो इन तो हम बोले कि नहीं अबॉर्शन कराना नहीं सही होगा क्योंकि दो, हाँ मैं भी शायद 2-2.5 महीना हो गया था, तो हम बोले कि रख लेते हैं ना, कोई क्या दिक्कत है। तो इन्होंने कहा नहीं अभी मेरा फ्यूचर भी स्टार्ट नहीं हुआ है, हमने शादी तो कर ली है लेकिन हम पब्लिकली तो शादी नहीं किए हैं ना। फिर इनके पापा तक बात गई, इनके पापा को इन्वॉल्व किया गया, मेरी फैमिली में मेरे पापा को, मैंने मेरे पापा ही हैं सिर्फ अभी फिलहाल मेरे जो सपोर्टिव हैं, भाई बहन हैं तो वो मुंबई रहते हैं, उनसे उतना मेरा कनेक्शन इस टाइप का नहीं है कि मैं उनको ये चीज़ें बताऊं। बहन को पता था मेरे कि हाँ रिलेशनशिप में है और बहन को मैंने बहुत हद तक बता दिया था कि शादी तक की बात है, इसी तरह मैं नहीं रह रही हूँ इनके साथ में, क्योंकि हाँ पापा को बताया था मैंने, पापा का रिएक्शन ये था कि पापा को था क्योंकि इससे पहले भी मेरी एक शादी हुई थी, उससे एक बाबू था मेरे पास, है अभी भी है वो बाबू, शादीशुदा, हाँ शादीशुदा, आपके पास रिपोर्ट होगा तो उसमें, बट वो शादी मेरी टूट चुकी थी 2014 में ही, हम अलग हो चुके थे हस्बैंड से, कुछ इश्यूज़ की वजह से उनसे हम अलग हो गए थे। तो ये तब मेरी लाइफ में अक्टूबर में आए थे, मेरी मदर का डेथ हुआ था 24 अक्टूबर को, उसके बाद ये मेरी लाइफ में आए हैं अक्टूबर में ही, 27-28 अक्टूबर रहा, नहीं 25-26 अक्टूबर रहा होगा।
तो धीरे 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 रिलेशनशिप बढ़ा था। उसके बाद हम प्रेग्नेंट हो गए थे, प्रेगनेंसी के बाद में 19 में प्रेग्नेंट हो गए थे, अक्टूबर में मुझे याद है 26 अक्टूबर था, छोटी दिवाली थी। उस दिन मेरा इन्होंने ले जाके केजरीवाल में अबॉर्शन करवाया था। अच्छा, ये साथ में गए थे? हाँ, ये साथ गए थे और शाम के 7 बजे, छोटी दिवाली थी, इन्होंने मेरा अबॉर्शन करवाया था। हो गया, मुझे नहीं पता कि सेटिंग क्या थी क्या नहीं थी, लेकिन हुआ। हाँ, उन्होंने बात की थी सबसे? हाँ, बस आप साथ? मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी, नहीं बातचीत नहीं हुई थी, ये और इनके पापा थे। आप चाह रहे थे कि हो? नहीं, हम नहीं चाह रहे थे, हम इनको बताए भी नहीं थे स्टार्टिंग में कि कुछ ऐसा है, क्योंकि हम चाह रहे थे कि मतलब बुआ हो जाएगा तो ये पूरी तरीके से मतलब फाइनली इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, हम नहीं चाह रहे थे। इनके फादर वगैरह ने भी कहा कि हाँ ठीक है, चलो कर लो, हो जाएगा ना तो फिर तुम पब्लिकली कर सकते हो शादी। उस टाइम में करेंगे तो क्या होगा ना, लड़का प्यार करता था, शादी कर लिया। उनके फादर बोले? हाँ, उनके फादर बोले कि लड़का प्यार करता था तो शादी कर लिया, फिर हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, बाद में कर लेंगे, पहले थोड़ा ये होगा। ये तो कहते थे कि भाई मैं बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मरिए जाऊंगा, तो कर लो ना सना। ब्रेकअप कब हो गया? फाइनली ब्रेकअप मेरा फरवरी में हुआ है, फरवरी के बाद मार्च, 7 मार्च को उन्होंने किया। हाँ, उन्होंने किया। इसका आपने क्या किया था? उन्होंने मुझसे ब्रेकअप किया, इस तरीके से किया कि वो फोन नहीं उठाए। एक झगड़ा हुआ छोटा सा, कुछ झगड़ा नहीं था, ये चाचा के यहाँ गए थे और इन्होंने बहुत झाड़ के बहुत गंदी तरीके से मुझसे बात की, मैंने फोन किया तो उसके बाद इन्होंने मुझे कॉल करना बंद कर दिया। कुछ दिन मैं भी शांत रही, क्योंकि हर रिलेशनशिप में झगड़ा लड़ाई होता है, फिर आके मना लेते थे ये, मैंने सोचा नॉर्मली है। एक हफ्ता जब बीत गया और ये ना फोन ना SMS कुछ भी नहीं, उसके बाद मैं इनको फोन करने लगी, ये फोन ही नहीं उठा रहे। फिर मैं इनके घर भी गई, इनके फादर से भी मिली, बोले कि बुआ हमको तो कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं बताया है। मैं भी शॉक थी, मैंने इनको कई बार कॉल किया, फिर ये क्या कहते हैं मुझसे कि मतलब तुमने मेरा कदर नहीं किया, हम तुमसे बहुत प्यार करते थे, तुमने मेरा कदर नहीं किया, इसलिए मेरे दिल से ना तुम्हारे लिए प्यार खत्म हो गया है, मर गया है, अब मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता हूँ, तो मैं तुमसे रिश्ता नहीं रखूँगा। मैंने कहा क्या बोल रहे हो, तुमने शादी की थी, तुम भूल गए हो क्या, कितना कुछ हुआ है हमारी लाइफ में, कई बार तुमने अबॉर्शन दवाई खिला के किया है, ये वो दीदा बहुत कुछ काम है ना। तो वो कुछ भी रिएक्शन नहीं, पैर पकड़े फिर भी यार रिएक्शन नहीं। कितने फ्रेंड्स को कहा मनाने के लिए, कितने फ्रेंड्स ने इनको कहा, मतलब मार्च से लेके अभी तक सर सिर्फ इनको मनाया जा रहा था कंटिन्यू। अनमैरिड थे वो, इसीलिए मैंने ट्रस्ट भी किया कि अनमैरिड बंदा है, शादीशुदा नहीं है, और मैं भी सिंगल थी। तो लीगली आपने क्या एक्शन लिया? लीगली एक्शन मैंने उनको लास्ट टाइम कहा, मैंने उनको एक आवेदन भेजा मतलब कोर्ट से कि विधिवत शादी कीजिए और मैटर को ख़त्म कीजिए 10 दिनों के अंदर अंदर। उनके फादर का उधर से रिएक्शन आया कि मतलब हम नहीं करेंगे कॉम्प्रोमाइज़, वकील टू वकील बात करेंगे। और फिर उसके फादर जो है वो पूरे में हल्ला करने लगे कि लड़की को ना पैसा चाहिए और पैसा के लिए ये सारी चीज़ें कर रही है। फिर मेरी जो फोटोग्राफ्स थी मेरे पास में कुछ, जो कि साबित करती थी कि मैं उनकी पत्नी हूँ, जो मैंने जमा भी किए हैं, वो मैंने उनको दिखाई भेजी, उस पर भी कोई रिएक्शन एक्शन नहीं लिया गया। एप्लीकेशन मैंने जी मैंने थाने में एप्लीकेशन दिया, टाउन थाना सर, मेरा थाना वही पड़ता है, नगर थाना। अच्छा, आपका घर कहाँ है? मेरा घर पक्की सराय है। आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि वो या तो विधिवत शादी करें और बस मुझे अपना लें, खत्म। अभी भी आप चाहते हैं कि शादी अगर वो करते हैं तो आपकी चाहिए? हाँ, क्या करें सर, मेरा लाइफ तो पूरा हेल हो गया है ना उनकी वजह से, हम यही चाह रहे हैं। कहाँ जॉब कर रही थी आप लोग दोनों साथ में? हम लोग SBI चंदवारा ब्रांच में जॉब कर रहे थे एक साथ। क्या नाम है? गौरव कुमार। कहाँ का रहने वाला है? ये मालीघाट कंचन नगर के रहने वाले हैं, मिठनपुरा थाना इनका पड़ता है। फादर का नाम शशि भूषण राय है, जो कि कुछ जमीन का कारोबार करते हैं।